दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे बघीरा के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 900 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 2,75,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने दूसरे दिन में 3,60,00,000 का, तीसरे दिन में 3,68,00,000 का, चौथे दिन में 3,17,00,000 का, पांचवें दिन में 1,60,00,000 का, अपने छठवें दिन में मंगलवार के दिन में लगभग 1,45,00,000 का नेट कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 16,25,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 19,50,00,000 हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में तकरीबन 85,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20,35,00,000 हो चुका है। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के सातवें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने सातवें दिन में इंडिया में लगभग 1,20,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट तकरीबन 50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। फिल्म का बजट जैसा और अब तक के कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो जाएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 8.4 रेटिंग मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।